हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑफ इंडियन यूट्यूबर सलमान चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर नहीं कर रही हूँ, मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक फूड ब्लॉग। यस, आज के वीडियो में होने वाला है कि मैं फुल डे क्या खाने वाली हूँ वो मैं टोटली आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आई होप कि आप लोगों को मज़ा आने वाला है वीडियो देख के, तो एंड तक वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप लोगों को अल्टीमेट पता चल सके कि मैं क्या क्या खाती हूँ पूरे दिन भर में। एंड आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना रॉ फेस लेके क्यों बैठी हूँ, एंड मैंने ये जो हालत है मेरा, जो हुलिया मैंने बनाया है वो क्यों बनाया है वो आप लोगों को जानने को मिलेगा एंड ऑफ द वीडियो। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आप लोगों को पता चल सके कि मैंने ऐसा लुक क्यों अचीव किया है। यस, ये मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगी, एंड ऑफ द वीडियो नहीं बताऊंगी। पहले सबसे पहले सुबह का जो ब्रेकफास्ट, जो हमारा सुबह का सबसे पहला खुराक होता है, वो थोड़ा ज़्यादा हैवी करना चाहिए। बट मेरा जो फेस है एंड जो मेरा अभी जो बॉडी है, मेरा तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बट फिर भी मुझे आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करना था। तो मैंने सोचा चलिए कोई बात नहीं, आप लोग भी तो मेरे फ्रेंड्स ही हो ना, फैमिली हो, तो फैमिली के साथ रह के वीडियो शेयर करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो इसलिए आज ये फूड ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप कि आपको देख के अच्छा लगेगा कि मैं दिन भर में क्या अगड़म बगड़म खाती हूँ। ज़्यादा हेल्दी तो है नहीं, बट जो भी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर लेना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ। एंड इसमें से कोई भी रेसिपी आपको देखना है तो अलग से कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं जल्द से जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बहुत ही बड़ा इंट्रो हो चुका है और ज़्यादा लंबा मैं इंट्रो नहीं खींचूंगी। एंड प्लीज़ थोड़े बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मेरा घर है, आप लोगों को पता ही है जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, रोड साइड में, एंड मैं नेचुरल सनलाइट में वीडियो शूट कर रही हूँ, तो विंडो से आवाज़ थोड़ी बहुत आती रहेगी, जस्ट इग्नोर दैट। तो चलिए सुबह का ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। एंड ब्रेकफास्ट में आज मैं लाई हूँ, देखिए ये है, एक रोटी मैंने ले ली है एंड ये आलू की सब्ज़ी है, ये आलू की सब्ज़ी है। इसका रेसिपी अगर आपको देखना है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं शेयर करूँगी। एंड ये बहुत सारे चनाचूर मैंने ले लिए हैं, एंड ये जो चनाचूर है वो इंदौर में नहीं मिलते हैं, मेरी मदर इन लॉ कलकत्ता गई थी तो वहाँ से लेके आई है। एंड क्या क्या लेके आई है उसका मैंने वीडियो बनाया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके, सलमा ब्लॉग्स की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, आप लोगों को पता चली जाएगी कि क्या क्या लाए हैं। होपफुली ये वीडियो पहले जाने वाला है एंड वो वीडियो बाद में जाएगा, तो आप देख ही पा लोगे वीडियोस को अगर चैनल को करके रखोगे सब्सक्राइब। तो जल्दी से रेड सब्सक्राइब बटन प्रेस करके पास के बेल आइकन को प्रेस करके ऑप्शन रखिएगा ऑल, ताकि हर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुँच पाए। तो चलिए मैं सबसे पहला दिन का खा लेती हूँ। एंड सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया है, जस्ट मैंने गरम पानी लिया था, उसके बाद अभी मैं ये खा रही हूँ। एंड पूरा दिन भर में मैं आप लोगों के साथ क्या खाने वाली हूँ वो तो शेयर ज़रूर करूँगी। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगे। वीडियो को ये जो रीज़न है मेरा, जो ये ड्रेसअप का, वो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ क्योंकि आप लोग शायद मेरे जैसे सब्र करने वाले हो नहीं, है ना, मैं भी ज़्यादा वेट नहीं कर सकती। तो मैं डिस्क्लोज़ कर देती हूँ कि मेरे जो ये भेस है उसके पीछे क्या रीज़न है। तो यू कैन सी कि मैंने अपने हेयर में एक DIY हेयर मास्क अप्लाई किया है, तो उसी के लिए मैं अपने जो फेस है, सॉरी जो हेयर है, उसको मैंने कवर करके रखा है ताकि आप लोगों को उतना पता नहीं चल सके। एंड ये कौन सा DIY हेयर मास्क है उसका मैंने अलग से वीडियो शेयर किया है, इस वीडियो का शायद पहले चला जाएगा या बाद में चला जाएगा, अगर बाद में चला जाएगा तो लिंक पे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सॉरी पहले चला जाएगा तो लिंक पे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर
ये वीडियो पहले चले जाएगा तो वो वीडियो मैं दे दूंगी इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, तो ज़रूर जाके चेकआउट कीजिएगा। तो चलिए मैं अपना जो ब्रेकफास्ट है वो फिनिश कर लेती हूँ एंड मिलती हूँ मैं अपने लंच के टाइम में एंड दिखाती हूँ कि मैं लंच में क्या ज़्यादातर खाती हूँ। लंच का भी टाइम हो चुका है तो मैं लंच निकाल लेती हूँ एंड आप देख सकते हो थाली में मेरी खिचड़ी है, मिक्स खिचड़ी, आलू टमाटो डाल के, मूंग की दाल डाल के मैंने खिचड़ी बनाई है एंड तड़के की दाल भी मैंने ले ली है, एक सब्जी मैंने ले ली है गीली सब्जी एंड दो पराठे ले रही हूँ। एंड ये आप सोच रहे हो कि बहुत ज़्यादा हो सकता है लंच के लिए, बट इट इज़ नॉट, ये एक मम्मा की प्लेट है, यस मतलब मदर की प्लेट है, तो मदर की प्लेट में थोड़ा बहुत ज़्यादा तो लेना ही चाहिए क्योंकि मम्मी के साथ बच्चे भी खाते हैं ना। एंड अगर आप पहले से मुझे फॉलो करते आए हैं तो आप लोगों को पता है कि मैं लंच के टाइम बाबू के साथ ही खाती हूँ, मेरे लड़के के साथ, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा ले रही हूँ एंड यहाँ पे अचार भी ले रही हूँ थोड़ा स्वाद को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए, आम का अचार लिया है मैंने। एंड ये है मेरा फाइनल लंच, खिचड़ी पराठे अचार भी ले लिया है एंड ये है तड़के की दाल जो कि बहुत ही ज़्यादा यमी बनी है। अगर आपको इसका रेसिपी जानना है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं जल्द से जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए लंच कर लेते हैं एंड थोड़े सी बाबू की शैतानी देख लो। लंच में मैं एंड बाबू दोनों साथ में खाते हैं तो मैं उसको खिला रही हूँ एंड ऐसे ही मदर्स का लंच होता है, खुद भी खाते हैं एंड बच्चों को भी खिला देते हैं एंड ऐसा ही मेरा भी दिन चलता है एंड यही एक्चुअल रूटीन है मेरा पूरे दिन भर का, जो मैं खाती हूँ वो मैं बाबू के साथ भी शेयर करती हूँ। ये मेरे गर्मा गर्म तो नहीं, मैं पूरी जो है वो छोले के नहीं खाती हूँ, मुझे आलू वाले ही पसंद आते हैं, वो अभी जस्ट मैंने लिया, बहुत दिनों बाद खा रही हूँ मैं। बाबू अभी सो रहा है इसलिए मैं अकेले अपना स्नैक्स एंजॉय कर रही हूँ, वो जब सो के उठ जाएगा उसके बाद मैं उसको स्नैक्स खिला दूँगी। मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों के साथ मैं 24 आवर्स गोलगप्पे चैलेंज करूँ, तो क्या मैं करूँ या ना करूँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं जल्द से जल्द वीडियो आप लोगों तक पहुँचा दूँगी अगर आप लोग बहुत सारे कमेंट करोगे तो। बैकग्राउंड में आपको ड्रिलिंग की आवाज़ आ रही होगी, कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो चलिए खा लेती हूँ मैं इवनिंग स्नैक्स के बाद, अब मैं डायरेक्ट मिलूंगी आप लोगों से डिनर के टाइम एंड बाबू सो रहा है तो धीरे बात करेंगे। ओके ये है हमारा डिनर, रोटी एंड फिश, अब देख पा रहे हो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड यमी टेस्टी फिश करी टाइप का बनाया हुआ था। एंड ये बात मैं आप लोगों को मेंशन कर दूं कि ये जो फ़िश करी है वो मैंने नहीं बनाया है, मदर इन लॉ ने भेजा है क्योंकि मुझे उतना फ़िश मटन तो फिर भी बना लेती हूँ बट फ़िश आई कांट कुक लाइक माई मदर इन लॉ, इसलिए मदर इन लॉ ने ही रात का जो सब्जी है वो भेजी थी तो वही एंजॉय करें। एंड मैं वीडियो भी शूट कर रही थी तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, इफ़ यू डोंट माइंड देन एंजॉय द वीडियो। एंड अगर आपको इसका रेसिपी जानना है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं इन लॉ मदर इन लॉ को बोलूँगी वो कुक करेगी एंड मैं आप लोगों के साथ वो वीडियो शेयर ज़रूर करूँगी। तो अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिएगा, मैं जल्द से जल्द ये फिश करी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए डिनर कर लेते हैं एंड डिनर करने के बाद ही मैं आप लोगों से बात कर लूँ, तब तक हम तीनों मिलकर डिनर कर लेते हैं। आप लोगों ने किया है कि नहीं कमेंट करके ज़रूर बताइए अपने लोगों ने डिनर।
तो आप लोगों ने देख ही लिया कि हम लोगों ने डिनर कंप्लीट कर लिया है एंड मैंने आज का पूरा डे का शेयर कर दिया कि आज मैं पूरा दिन भर क्या क्या खाई हूँ। तो आई होप कि आज का जो वीडियो है वो आप लोगों को अच्छा लगा हो। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर हो कोई वीडियो रिक्वेस्ट है सजेशन कमेंट करके बता सकते हैं। एंड फिलहाल आज के वीडियो को व्हाट आई ईट अ होल डे जो था मेरा वो आज मैं एंड करती हूँ। आई होप कि आज का जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुआ हो। अगर हुआ हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को ज़रूर जाइएगा ऐसे और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।